अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की हमारी इस वीडियो में बात करेंगे हम डॉलेंस के फ्रेंच डोर 900 डीएफडी मॉडल के बारे में। व्यूअर्स, ये डायरेक्ट कूल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, फोर डोर के अंदर है ये। इसमें मिरर ब्लैक कलर है, इसमें एक दूसरा कलर आता है गोल्ड कलर। इसमें दो कलर्स ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ये फोर डोर के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट के बारे में। व्यूअर्स, दोनों साइडों पे आपके चार रैक्स मिल जाते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको टॉप पे इसकी एक ट्रे मिल जाती है, दो मल्टी शेल्फ मिल जाती हैं और नीचे एक बॉटल रैक मिल जाता है। और सेम इसी तरफ अगर आप राइट साइड पे देखें तो सेम आपको इसी तरफ भी तीन मल्टी शेल्फ मिल जाती हैं और एक नीचे बॉटल रैक मिल जाता है। इनके अंदर सेपरेशन दी गई है, यहाँ पे दोनों ही साइडों पे सेपरेशन आपको मिल जाती है। और इसके अंदर आपको तीन शेल्स मिल जाती हैं ग्लास की, तीन शेल्फ जो मिल जाती हैं इनके अंदर आपको तीन एडजस्टमेंट्स दी गई हैं, आप मर्जी से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे आपको ये एक स्टेनलेस स्टील जो है यहाँ पे बॉटल रैग मिल जाता है, और यहाँ पे आपको दो फ्रूट बॉक्स मिल जाते हैं, और उसके ऊपर जो है आपको एक ग्लास की ट्रे मिल जाती है। व्यूवर्स, एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए यहाँ पे सामने फ्रंट पे आप देख सकते हैं इसमें फ़ैन दिया गया है, और दोनों साइडों पे आपको जो है दो LED बल्ब्स मिल जाते हैं। इसकी गैसकेट की बात करते हैं तो ये एंटी फंगल गैसकेट है और ये डी अटैचेबल आ जाती है, आप इजीली उतार के इसे वॉश वगैरह कर सकते हैं, इससे इसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट व्यूवर, इसमें बात कर लेते हैं हम इसके फ्रीजर कंपार्टमेंट के बारे में। व्यूवर्स, इसके अंदर आपको साइडों पे दो मल्टी शेल्फ मिल जाती हैं विद सेपरेशन, इसके अंदर आपको सेपरेशन भी दी गई है, और ये यहाँ पे मेटल का यूज़ किया गया है, और ये ग्लास की हैं टोटली, जो शेल्फ दी गई हैं टोटली ग्लास की हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है व्यूवर्स पिस्ट आइस बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पे आपको तीन आइस ट्रेस दी गई हैं, आप इजीली इन्हें निकाल के रीफिल वगैरह कर सकते हैं, और यहाँ पे ट्विस्ट दिया गया है, आप जस्ट इसे यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे और यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको आइस मिल जाएगी। इसमें आपको फ्रीजर में एक शेल्फ दी गई है और तीन एडजस्टमेंट्स के साथ दी गई है, आप अपनी मर्जी से इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। और सामने जो है आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मुकम्मल LED पैनल मिल जाता है लाइट्स वगैरह के लिए। व्यूवर्स, ये काफ़ी एक वाइडर दिया गया है रेफ्रिजरेटर जो है। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये 600 लीटर्स हैं, और अगर हम इसे क्यूबिक फिट्स में देखें तो ये कोई राउंड अबाउट 20 से 21 क्यूबिक फिट्स बनता है ये। व्यूवर्स, अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, इसकी वाइडनेस की बात करें, तो ये 90 सेंटीमीटर वाइड है ये रेफ्रिजरेटर, और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसकी जो पावर कंजप्शन है वो काफ़ी कम है। ये R600 गैस के साथ है और लॉन्गेस्ट कूलिंग रिटेंशन इसमें 6 डेज तक डॉलेंस कंपनी मेंशन करती है कि आप 6 डेज तक, 6 दिन तक ये अपनी कूलिंग को बरकरार रखता है। अगर हम इसके वारंटी पीरियड की बात करें तो व्यूवर्स ये 12 ईयर कंप्रेसर वारंटी और 1 ईयर पार्ट्स वारंटी के साथ आ जाता है। व्यूवर्स, इसके प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 1,46,100 है, 1,46,100 रुपीज़ है, लेकिन आपको ये लोकल मार्केट से राउंड बोर्ड लेस करने के बाद 1,32,000 रुपये से लेके 1,38,000 रुपये तक आपको इन प्राइस रेंज के अंदर ये मिल जाती है। व्यूवर्स, इसमें आपको हेल्थ लाइट मिल जाती है जिससे एक चीज़ की स्मेल किसी दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इसके डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, व्यूवर्स ये मुकम्मल मिरर ग्लास ब्लैक कलर के अंदर है, इसमें जो दूसरा कलर आता है वो गोल्ड कलर के अंदर आता है, लेकिन इसके अंदर आपको एक लाइनिंग सी मिल जाती है, मुकम्मल जो है टेक्सचर लाइनिंग मिल जाती है, जो इसके लुक को काफ़ी एक एलिगेंट डिज़ाइन लुक देता है। इसको मुकम्मल ब्लैक बॉडी के अंदर आ जाती है, फ्रंट पे आपको डॉलेंस की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे। तो व्यूवर्स, अगर देखें तो ये बहुत सारे ब्रांड इस तरह के आ रहे हैं, इवन के डॉलेंस के ही कुछ रेफ्रिजरेटर इस तरह के आ रहे हैं साइड बाय साइड, जो कि नो फ्रॉस्ट के अंदर आते हैं, लेकिन हम अगर अपने यहाँ पे सिचुएशन को देखें गर्मी के हवाले से और कूलिंग को अगर देखें तो हमारे यहाँ पे डायरेक्ट कूल जो है वो ज़्यादा ज़रा कामयाब है हमारे इस इन्वायरमेंट के हवाले से। तो डॉलेंस ने काफ़ी एक अच्छी चीज़ दी है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर दे दी गई है, आप सोलर पैनल्स के ऊपर भी इसे यूज़ कर सकते हैं UPS के थ्रू, और उसके अलावा अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें तो ये इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो व्यूवर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।